दोस्तों यह डायग्राम इलेक्ट्रोड टाइप इलेक्ट्रिकल वेलर है। इसमें एक सिलेंडर होता है जो नीचे की ओर खुलता है। प्रेशर टैंक के ऊपर सिरे पर अंदर की ओर वेल्ड किया हुआ होता है। सिलेंडर का टैंक दो चैम्बरों में विभाजित होता है। बाहर का चैम्बर रेगुलेटिंग चैम्बर और अंदर का जनरेटिंग चैम्बर होता है। जनरेटिंग चैम्बर में तीन इलेक्ट्रोड लटके हुए होते हैं। इन इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत पावर कनेक्ट होती है। बॉयलर क्रिया करने के समय इस भरे पानी में निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है और हाथों द्वारा जनरेट किया जाता है। बॉयलर में हाथ के स्थान पर फीड वाटर पंप से गिराया जाता है। यह इलेक्ट्रोलाइट जनरेटर में उस समय तक कोई क्रिया नहीं करता जब तक किसी ड्रोन वाल्व द्वारा पानी न खींचता हो। इलेक्ट्रिक पावर का स्विच ऑन किया जाता है। तब ठोस इलेक्ट्रोड मध्य इलेक्ट्रोड करंट से गुजरने पर पानी के स्टीम द्वारा हीट उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार चैम्बर में उत्पन्न ही स्टीम बाहर पाइप द्वारा स्टीम हेडर द्वारा प्रभावित हो जाती है। तब प्रेशर रेगुलेटर द्वारा रेटिंग चैम्बर से बाहर चली जाती है। पानी कम होने या ना होने पर बॉयलर का कार्य नहीं करता या सतह ही आप हो जाता है। पानी में इलेक्ट्रोलाइट डालने की तेज होने लगती है और स्टीम शीघ्र बनती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम आपको बॉयलर की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देते रहेंगे। धन्यवाद।